हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट चैनल एंड उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने लेके आ गई एक नया अनोखा रेसिपी। कौन सा रेसिपी? उस रेसिपी को चलिए देख लेते हैं कि मेरा रेसिपी आपके साथ हम कैसे बनाते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू उपासना मैजिक वोमेन चैनल एंड उपासना की मैजिक वोमेन चैनल में आज मैंने बना लिया मसालादार नींबू की अचार। आप इसको सिर्फ धूप में देना होगा। तो धूप में कैसे देंगे आपको, तो पहले अचार को बनाना होगा। तो चलिए चटपट अचार को बना लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो एकदम एंड तक देखना। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो गई एक बंगाली अचार का रेसिपी लेके। ये बंगाली अचार एक बार आप बना लिया तो बहुत दिनों तक आप इसको रख के खा सकते हो। सिर्फ एक ही काम आपको करना होगा, आपको इसको धूप में देना होगा। अचार रखने के लिए एक स्पेशल टाइप का जार मिलता है सिरामिक का, तो अभी तक मैं वो जार मैंने ऑर्डर किया था अभी तक मेरे पास आया नहीं, इसलिए मैंने ग्लास कंटेनर पे मेरा जो अचार है उसको स्टोर करूँगी। दो दिन तक वैसे भी ग्लास कंटेनर में रखना है, उसके बाद बड़ा वाला जो स्टोरेज जार है उसको देना है। मैं धीरे धीरे अचार बनाते के साथ साथ ही आपको सब कुछ बोलते जाऊँगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ नींबू की अचार। नींबू की अचार बनाने के लिए इधर मैंने ले लिया है नींबू। इधर मैंने 20 नींबू लिया था, उसको मैंने ऐसे छोटा छोटा करके काट कर लिया है। छिलका को मैंने नहीं निकाला है क्योंकि छिलका का जो स्वाद वो अचार में बहुत ही अच्छा है एंड महत्वपूर्ण है। उसके बिना भी हमको लगेगा रेड चिली का पाउडर, उसके साथ हमें लगेगा हल्दी पाउडर, ऑब्वियसली लगेगा सॉल्ट एंड और उसके साथ ही अचार को ज़्यादा दिन तक रखने के लिए हमें चाहिए विनीगर। ये विनीगर सिर्फ खट्टा जैसा स्वाद ही नहीं लाता है, उसके साथ साथ अचार को प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इधर मैंने ग्रीन फ्रेश का विनीगर लिया है, सिंथेटिक विनीगर है, एप्पल साइडर विनीगर इधर नहीं यूज़ होगा। अचार बनाने के लिए सिर्फ यही करना ज़रूरी नहीं है, इसके साथ ही हम लोगों को लगेगा मस्टर्ड का ऑयल। मस्टर्ड ऑयल है देखिए, इधर मैंने सरसों का तेल लिया है और सरसों का तेल मैंने ऐसा यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद सरसों का तेल को यूज़ करना है, ठीक है कोई बात नहीं। और अचार बनाने के लिए हमें 1 टाइप ऑफ ड्राई रोस्ट मसाला बनाना होगा। तो ड्राई रोस्ट मसाला बनाने के लिए पहले मैंने देखिए गैस को ऑन कर लिया है। अब मैं ड्राई रोस्ट के लिए मसाला को डालूंगी। जब मैं ड्राई रोस्ट के लिए मसाला डालूंगी आपको एक एक करके बोलते जाऊंगी, पहले पैन को गर्म होने दें। तो देखिए हमारा जो पैन है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब मैं धीरे धीरे इसके अंदर वो मसाला डालते जाऊंगी और आपको बोलते जाऊंगी। पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अजवाइन। इधर मैं 3 टीस्पून बड़ा टीस्पून जैसे अजवाइन डाला है। इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक मस्टर्ड सीड्स जिसको बोलते हैं सरसों। सरसों थोड़ा सा ज़्यादा डालना है जैसे नींबू की अचार है। उसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे सौंफ जिसको बोलते हैं फेनल। देखिए इतना सा फेनल डाला, जितना अच्छा मसाला डालोगे आप अचार उतना अच्छा बनेगा। आप उसके अंदर तेल डाल के अचार को बढ़ा भी सकते हो। अब हम इसके अंदर डालेंगे अचार की जान, वो है कोरिएंडर सीड्स। थोड़ा सा कोरिएंडर सीड्स डाला मैंने। एक कोरिएंडर सीड्स भी थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, फ्लेवर भी अच्छा देते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जीरा, बस इतनी से काफ़ी है। और डालने के साथ साथ ही आपको इसको चलाते जाना है, इसको जलाना नहीं है। अब हम इसके अंदर ऑब्वियसली डालेंगे सूखा लाल मिर्च। कौन सा सूखा लाल मिर्च का पाउडर हम यूज़ करेंगे, उसके साथ हम थोड़ा सा सूखा लाल मिर्च भी यूज़ करेंगे। टेम्परेचर को एकदम कम रखना है, जैसे ड्राई रोस्ट हुए मसाला ना जले। तो लाल मिर्च हम डालेंगे। नींबू का जो अचार है ज़्यादातर तीखा होता है और ये लाल मिर्च
नींबू को अचार के बहुत बहुत दिन तक इसको ठीक रखते हैं, जैसे इसके अंदर फंगस ना हो उसके लिए भी मदद करते हैं। लाल मिर्च डाल दिया, अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी, बहुत ही कम, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। उसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा मेथी दाना, मेथी का सीड्स पर ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मेथी थोड़ा सा तीखा होता है। उसके साथ ही इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद राई, सफ़ेद राई का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है नींबू का अचार में। मैं 3 टेबल स्पून जैसे सफ़ेद राई डाल रही हूँ। इतना सारा मसाला हो गया है, अब कुछ भी डालने की बाकी नहीं रह गया है। अब हम बस इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद ये पूरा मसाला को हमें एक बार ग्राइंड करना होगा। जब तक ये मसाला ठंडा होगा तब तक हम नींबू का प्रिपरेशन कर लेंगे और ऑयल को भी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो इसको पकने दे। देखिए इधर हमारा मसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब मैं मसाला को ठंडा करके इसका एक पाउडर बनाऊंगी, उसके बाद अचार का प्रिपरेशन करूँगी। तो देखिए इधर मैंने पैन को बैठा दिया है, जिसके अंदर हम ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल मैंने डाल दिया है, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा तो डाल दिया है मैंने ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दे, पर गर्म ऑयल नहीं डालना है अचार के अंदर, ऑयल को थोड़ा सा ठंडा करके बनाना है। इसलिए मैंने ऑयल को अभी गर्म कर रही हूँ, जैसे बाद में ये ठंडा हो जाए जब मैं अचार को पकाऊँगी। तो चलिए ऑयल को ऐसे ही गर्म करते हैं, उसके बाद आपको अचार का प्रिपरेशन दिखाते हैं। तो देखिए इधर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी मैं इंडक्शन को ऑफ कर देती हूँ, इसके बाद चलिए अचार का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो देखिए इधर मैंने एक पॉट ले लिया है अचार को बनाने के लिए, और इधर मैंने ड्राई रोस्ट मसाला को बना लिया है। तो चलिए अचार का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। पहले हम जो नींबू है उसको इसके अंदर डालेंगे। नींबू को मैंने काट कर भी थोड़ा सा पानी में भिगो के रखा था। देखिए है नींबू, इसके अंदर अभी मैं यूज़ करूँगी ढेर सारा रेड चिली का पाउडर, क्योंकि ये तीखा बनता है। उसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, और अचार के अंदर थोड़ा सा नमक ज़्यादा भी हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो नमक सब कुछ डालने के बाद हम ऐसे ही पहले देखिए आस्ते नमक हल्दी सब कुछ के साथ इसको मिला लिया है। अब हम इसके अंदर ऑब्वियसली डालेंगे विनीगर। विनीगर डालने के बाद हम फिर से इसको एक साथ ऐसे ही मिलाएंगे। पूरा मिला लेने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये ड्राई रोस्ट किया हुआ पाउडर। ड्राई रोस्ट किया हुआ पाउडर डाल दिया। ऐसे देखिए मैंने नींबू को ऐसे ही मैसेज कर रही हूँ, जैसे नींबू का रस थोड़ा थोड़ा सा निकल जाए। इसके अंदर मैं और थोड़ा सा विनीगर डालूँगी। विनीगर डालने के साथ हम फिर से इसको अच्छे से चला लेंगे। अभी हम ऑयल को नहीं डालेंगे, ऐसे ही देखे हम नींबू को मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब हम ग्लास कंटेनर को लेके आते हैं। तो देखिए इधर मैंने ले लिया है एक ग्लास कंटेनर। अब मैं इसके अंदर ये नींबू का अचार को डालूँगी। कुकटॉप ठंडा ही है। अब हम इसके अंदर नींबू का जो मिक्सचर है मैंने डाला, आपने देखा बहुत इजी है बनाना। विनीगर डाला मैंने इसलिए ये बहुत दिन तक अच्छा रहेगा, और ये मसाला भी हमने डाल दिया। आपने देखा मैंने क्या क्या मसाला यूज़ किया,
आप चाहो तो मैं दूसरा कुछ अचार का रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए ऐसे नींबू को मैंने डाल दिया, हाथ को थोड़ा सा धो डालते हैं। धो डालने के बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को मैं गर्म करके थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, धीरे धीरे डालेंगे ऑयल को। पूरा ऑयल मैंने डाल दिया है और ऑयल डालने के बाद देखिए, ऑयल डालने के बाद मैंने एक चम्मच ले लिया है क्योंकि ऑयल फिर भी थोड़ा सा तो गर्म है, और चम्मच की मदद से ऐसी बस मैंने नींबू का जो अचार है सारे मसाला को मैं धीरे धीरे ये जो ऑयल है उसके साथ मिला ले रही हूँ। विनीगर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विनीगर देने से, मैं जब कसूंदी बनाया था फिर भी विनीगर ऐड किया था। विनीगर देने से अगर अचार बनाते वक्त देखिए ऐसे मेरा कुछ नीचे गिर गया है, मैं इसको नहीं लूँगी क्योंकि अचार बहुत शक्तिक तरीके से बनाना पड़ता है। अचार को गंदे हाथ में बिना नहा के नहीं बनाना चाहिए। ऐसे मैंने बना लिया है अचार। अब हम इसको अंदर ढक्कन देंगे, और उसके बाद इसका जो हवा है इसको थोड़ा सा निकाल देंगे। तो बन गया है हमारा एकदम दुकान स्टाइल नींबू की अचार। आज मेरा रेसिपी इतना तक ही, लौट के आऊँगी दूसरा एक रेसिपी के साथ। तब तक मेरे साथ में रहिएगा, मैं फिर से मिर्ची का अचार, मिक्स वेज की अचार सब कुछ लेके आऊँगी। इस अचार को मैं 2 दिन तक ऐसे कंटेनर में ही रखने दूँगी, उसके बाद मैं अचार वाली बॉयन पे उसको ट्रांसफ़र करूँगी। जब मैं ट्रांसफ़र करूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए आज रेसिपी इतना तक ही ख़त्म करते हैं, लौट के आऊँगी दूसरा एक रेसिपी के साथ। बाय, खुदा हाफिज़। आप आज मेरा रेसिपी मैंने कितनी अच्छे से आप लोगों के सामने बना लिया। आप लोगों के साथ कुकिंग करने में मुझे बहुत आनंद होता है। आप प्लीज़ मेरे साथ में रहिएगा तो खुश रहिएगा, ठीक से रहिएगा, सेफ रहिएगा। लौट के आऊँगी दूसरे एक ऐसे ही रेसिपी के साथ। और मेरा रेसिपी को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलना। खुदा हाफिज़, बाय।